Good morning everyone. I am Dr. Anshul Sharma, lecturer for botany in SPU PG College Palna. Last class mein humne discuss kiya tha plant tissue culture media mein use hone wale kuch organic materials ke bare mein. Aaj hum padhte hain kuch extra materials ke bare mein jo ki kuch media ke andar ya kuch particular plant type ki requirement hoti hai. To dekhiye un materials ko hum कॉम्प्लेक्स मटेरियल की कैटेगरी में काउंट करते हैं जो कि पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, पर इनकी जरूरत कुछ प्लांट्स को पड़ती है जो कि नॉर्मली जो न्यूट्रिएंट मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया के अंदर, उन पे जब उस प्लांट की या एक्सप्लांट की या कोशिका की ग्रोथ नहीं हो पाती है तब हम इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को काम में लेते हैं. जैसे कि पहला मटेरियल है प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट या यीस्ट एक्सट्रैक्ट भी हम नाम ले सकते हैं, माल्ट एक्सट्रैक्ट है, ऑरेंज जूस है, टमाटो जूस है. इनकी कंसेंट्रेशन हम 0.1 से 1.0 ग्राम पर लीटर की कंसेंट्रेशन काम में लेते हैं और ये पर्टिकुलरली सेल ग्रोथ यानी कि कोशिका की वृद्धि में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट मटीरियल हम कोकोनट मिल्क भी काम में ले सकते हैं, जिसे नारियल पानी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर फ्री एंडोस्पर्म्स अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट मटेरियल लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है जो कि प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इनकी कंसेंट्रेशन 2-15% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की कंसेंट्रेशन में काम में ली जा सकती है. अगला मटीरियल है एक्टिवेटेड चारकोल. एक्टिवेटेड चारकोल कुछ नहीं है, सिर्फ जो कोयला होता है उसे बारीक पीस के या मार्केट में भी अवेलेबल होता है उसे हम काम में ले सकते हैं, वही एक्टिवेटेड चारकोल है. इसकी कंसेंट्रेशन हम 0.2-3.0% वेट बाय वॉल्यूम कंसेंट्रेशन में काम में ले सकते हैं. अभी एक्टिवेटेड चारकोल करता क्या है, ये सिर्फ इतनी हेल्प करता है कि जो टॉक्सिन मटेरियल्स प्लांट अपनी बॉडी के अंदर से बनाता है जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड्स हैं वो कल्चर मीडिया में इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि वो फिनोलिक कंपाउंड प्लांट के बेस को ब्लॉक कर देता है. तो ये एक्टिवेटेड चारकोल उन टॉक्सिन मटेरियल्स को वहीं पे एब्जॉर्ब करके या अवशोषित करके अधिशोषित करके अब एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख लेता है ताकि प्लांट को वो ब्लॉक ना कर पाए. अगला मटेरियल जो काम में लिया जाएगा वो है पीवीपी, जिसे पॉली विनाइल पाइरोलिडॉन कहा जाता है. इसकी कंसेंट्रेशन 250 से 1000 मिलीग्राम पर लीटर काम में ली जाती है. नेक्स्ट मटेरियल नेचुरल मटेरियल्स हैं जैसे कि सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इनकी कंसेंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर काम में ली जाती है. थायल यूरिया जिसे एल-सिस्टीन जैसा मटेरियल है, एल-सिस्टीन को भी काम में ले सकते हैं. ये क्या करते हैं थायल यूरिया और एल-सिस्टीन, ये फिनोलिक मटीरियल के ऑक्सीडेशन को रोकते हैं जिसकी वजह से कुछ और टॉक्सिन मटीरियल्स नहीं बन पाते. अगला मटेरियल है फ्लोरोब्यूसिनॉल, जो कि पर्टिकुलरली एक फिनोलिक कंपाउंड है और ये जो फ्लोरोब्यूसिनॉल मटेरियल है ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम होती है जिसे IAA ऑक्सीडेज कहा जाता है और ये IAA ऑक्सीडेज जो नेचुरल PGR है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसे हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, उस PGR को बनने से रोकता है या बनने के बाद में उसको तोड़ देता है उसके स्ट्रक्चर को, तो प्लांट को वो हेल्प नहीं कर पाता. तो इस एंजाइम की एक्टिविटी को, IAA ऑक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी को फ्लोरोब्यूसिनॉल नाम का मटेरियल स्टॉप कर देता है या इनहिबिट करता है जिसकी वजह से वो IAA को ब्रेकअप नहीं कर पाता. चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जेलिंग एजेंट्स के बारे में. जेलिंग एजेंट्स पर्टिकुलरली कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए या सेमी सॉलिड करने के लिए काम में लिए जाते हैं, क्योंकि सभी प्लांट या सभी टाइप के प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में हम लिक्विड मीडियम काम में नहीं ले सकते, कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट सेमी सॉलिड मीडिया भी होती है. तो भाई देखिए जेलिंग एजेंट के रूप में हम सबसे ज्यादा जो काम में लेते हैं वो है अगार अगार नाम का मटीरियल. अगार अगार जो मटीरियल है ये एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड मटीरियल है जो कि पर्टिकुलरली सीवीड यानी कि समुद्री शैवाल से आइसोलेट किया जाता है और ये समुद्री शैवाल जो होते हैं ये पर्टिकुलरली रेड एल्गी की कैटेगरी के मेंबर्स हैं और इनमें दो मेंबर्स सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगार अगार उन्हीं से आइसोलेट किया जाता है और वो दो मेंबर्स हैं, एक है गैलीडियम दूसरा है ग्रैसिलेरिया. अभी जो अगार अगार मटीरियल है ये अगर इसके हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये हाई मॉलिक्यूलर मास वाला मटेरियल है, यानी इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है
इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड अप करवा देती है, जिसकी वजह से क्या करता है ये जो मटेरियल्स हैं उनको सेमी सॉलिड रूप में प्रोवाइड कर देता है, और जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हम उस कल्चर मीडियम में प्रोवाइड करेंगे उसको ये एब्जॉर्ब करके रखेगा और जब प्लांट को जरूरत होगी उस प्लांट को प्रोवाइड करेगा। अब इस अगर अगर की जो कंसंट्रेशन है वो हम कल्चर मीडिया के अंदर काम में लेते हैं 0.6 से 1.0%। अगर अगर की एक और प्रॉपर्टी है कि ये लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मेल्ट होता है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसको मिलता है टेम्परेचर तब ये सॉलिडिफाई होना यानी कि जमना स्टार्ट हो जाता है। इसकी जब हाई कंसंट्रेशन हम काम में लेते हैं अगर, तो हाई कंसंट्रेशन इस अगर अगर की हानिकारक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, क्योंकि इस हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो कल्चर मीडियम है वो बहुत ज्यादा हार्ड या सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं प्लांट उनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इसलिए अगर अगर की हाई कंसंट्रेशन हमेशा नुकसानदायक होती है प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट्स में। चलिए अब देखते हैं हम अगला मटीरियल। नेक्स्ट मटीरियल जो जेलिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है वो है एग्रोस। एग्रोस कुछ नहीं है, सिर्फ अगार अगार का एक प्यूरिफाइड फॉर्म है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं उस प्यूरिफाई करने की वजह से कि जो अगार अगार है उसमें से इम्प्योरिटीज को हटा दिया जाता है और वो जो प्योर मटेरियल हमें मिलता है उसे हम एग्रोस कह देते हैं। अभी जो अगार अगार है इसे हम पर्टिकुलरली प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में काम में लेते हैं, और एग्रोस को हम जनरली जो हाईली स्पेसिफाइड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे कि डीएनए का आइसोलेशन है या डीएनए की एसडीएस पेज के एक्सपेरिमेंट्स में रनिंग है उसके लिए हम एग्रोस मटेरियल को काम में ले जाता है। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, सिंपल हम कह सकते हैं प्यूरिफाइड अगार को एग्रोस कहा जाता है। पर ये प्यूरिफाई होने की वजह से, क्योंकि प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में काफी समय लगता है, बहुत सारे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो इसी वजह से जो एग्रोस है वो अगार अगार से काफी महंगा या एक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट चीज, अब इन दो मटेरियल्स के अलावा कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिन्हें हम जेलिंग एजेंट के रूप में काम में ले सकते हैं, जैसे कि जेलराइट है या फाइट जेल मटेरियल है। ये दोनों भी मटेरियल क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, पर इन्हें बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है जो कि पर्टिकुलरली क्या है सूडोमोनास फैमिली का एक मेंबर है, सूडोमोनास इलोडिया, इससे हम आइसोलेट करते हैं जेलराइट या फाइट जेल मटेरियल को। ये जो जेलराइट मटेरियल है ये भी अगार अगार की तरीके से लो कॉस्ट नेचुरल पॉलीमर है, यानी कि कम पैसों में हमें अवेलेबल हो जाता है। इसकी कंसंट्रेशन हम 0.1% से 0.2% पर लीटर काम में ले सकते हैं। और भी कुछ मटेरियल हैं जैसे कि एल्जिनेट है। ये पर्टिकुलरली एल्जिनेट मटेरियल जब प्रोटोप्लास्ट कल्चर करा जाता है, यानी कि जीव द्रव्य का कल्चर जब किया जाएगा लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, तब हम इस एल्जिनेट मटेरियल को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट मटेरियल ये एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसे बायोजेल P200 कहा जाता है। अब ये पर्टिकुलरली क्या है, एक केमिकल आता है जिसे पॉलीएक्रिलामाइड कहते हैं, ये कार्सिनोजेनिक मटेरियल है यानी कि कैंसर कॉजिंग मटेरियल है। अगर इसके ज्यादा कॉन्टेक्ट में ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स आते हैं तो उनमें कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉलीएक्रिलामाइड की पैलेट्स को या स्टार्च पॉलीमर के रूप में इस बायोजेल P200 को काम में लिया जाता है। तो ये सारे जो मटेरियल हैं जेलिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो कल्चर मीडियम है उसका हमें पीएच भी मेंटेन करना पड़ता है, यानी कि उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है। भाई देखिए, जो पीएच है कल्चर मीडियम का प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस के लिए, वो हम 5.0 से 6.0 की कंसंट्रेशन जब काम में लेते हैं या पीएच मेंटेन करते हैं तब काफी अच्छा रहता है प्लांट टिश्यू कल्चर के एक्सपेरिमेंट में। अगर हम कंसंट्रेशन 7.0 से ज्यादा लेते हैं या 4.5 से कम लेते हैं तब क्या होता है कि ऐसा पीएच प्लांट्स के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस के अंदर उनकी ग्रोथ के लिए हानिकारक होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इतने हाई और इतने कम पीएच के ऊपर प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और लास्ट में हम एक चीज और देखते हैं कि अगर पीएच 6.0 से ज्यादा है या 5.0 से कम है तो भी कुछ प्रोसेस और स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि अगर 6.0 से ज्यादा पीएच रखते हैं तो हमारा जो कल्चर मीडियम है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट उनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर पीएच
काफी कम रहेगा या 5.0 से कम रहेगा, तब क्या होता है, जो हमारा कल्चर मीडियम है वो सॉलिडिफाई नहीं हो पाएगा। तो पर्टिकुलर प्लांट को जब हम सॉलिडिफाइड मीडियम प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसे सॉलिडिफाइड मीडियम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो उस कल्चर मीडियम पे ग्रो नहीं कर पाएगा। तो हमें ये सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया को बनाने के लिए। तो यहां हमने स्टडी किया, यहां तक इस क्लास तक हमने स्टडी किया कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कुछ और प्रोसेस या कुछ और मटेरियल जिनको कि हम प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में काम में लेते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंस भी रोल प्ले करते हैं, जैसे कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।